इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएसबी यानी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है। गाइस, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की नहीं, सारी बोर्ड्स की कॉपी यानी सीबीएसई, यूपी, सभी की ऐसी कॉपी चेक होती है ना। ये मैंने स्पेशली मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूं। काफी बच्चों के यार कमेंट्स आते हैं जैसे मेरे चैनल पर ज्यादा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के विद्यार्थी, वो कहते हैं कि भाई यार मेरे यार नंबर बहुत कम आ गए, या फिर कोई कहते हुए मिल जाते यार मेरे नंबर काफी ज्यादा गए, मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी, है ना। तो मैं आपको यही बताऊंगा यार टीचर आपकी कॉपी में क्या देखता है, क्या देखकर वो आपको नंबर प्रोवाइड कराते, क्या देखते हैं आपकी कॉपी में कि आपके नंबर इतने हाई आ जाते हैं, क्या देखते हैं आपकी कॉपी में कि आपके नंबर इतने लो हो जाते हैं, क्यों आप फेल हो जाते हो, क्यों आप हाई लेवल पे आ जाते हैं, क्यों आप फर्स्ट डिवीजन पे आ जाते हो। गाइस देखिए, मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आपकी कॉपी चेक होती है। और मैं हाँ आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि जैसे आप कॉपी राइट करने गए एग्जाम सेंटर पर, वहां से लेकर रिजल्ट बनने तक का इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, है ना गाइस। तो ये ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेराज और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी सपोर्ट चैनल। तो गाइस आइए सबसे पहले जानते हैं, मैं आपको बीच में बताऊंगा कि टीचर जो है आपको किन बातों को ध्यान रख के आपकी कॉपी चेक करते हैं, और गाइस आपको कैसे कैसे नंबर प्रोवाइड कराते हैं, और आपके नंबर क्यों कम आते हैं, क्यों आपके नंबर ज़्यादा आते हैं ना। तो ये सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग पे, जहाँ पे आप जो है कॉपी जहाँ पे राइट करने जाते हो, यानी सेंटर पर राइट करने जाते हो, वहाँ से आपको पता नहीं होता कि वहाँ से कॉपी कहाँ कहाँ जाती है, किस टीचर के पास जाती है, कैसे क्या होता है ना। तो ये वहीं से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखिए, जब से आप एग्जाम सेंटर पर गए, वहाँ पर आपने कॉपी राइट कर दी, कॉपी राइट करने के बाद गाइस आपकी कॉपी सभी की कॉपी वहाँ से इकट्ठी करी जाती है, एक साथ लगाई जाती है लाइन में, जैसे आपके सीरियल नंबर होते हैं ना रोल कोड, वैसे आगे पीछे ऊपर नीचे वैसे करके लगा दी जाती है। लगाने के बाद गाइस क्या होता है, लगाने के बाद वहाँ से जो है, जो जैसे आप किसी भी, जैसे सीबीएसई से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी हो आप, क्या होता है कि वहाँ से इकट्ठी करने के बाद उनका जो मेन सेंटर होता है, जैसे मैं सीबीएसई की बात करूँ, यूपी की बात करूँ, या फिर पंजाब की बात करूँ, किसी भी, है ना, उनका मेन सेंटर होता है, वहाँ सेंड करते हैं। वहाँ सेंड करने के बाद जो ऊपर का आपका रोल कोड होता है ना, ऊपर आपका जो नेम पेज होता है, नेम पेज को रिमूव कर दिया जाता है। नेम पेज जो है, जो सेंटर होता है यानी जो मेन सेंटर होता है, वो अपने पास रखता है, उसकी जगह वो गुप्त कोडिंग लिखते हैं ना, उसकी जगह यानी एक नेम पेज पे आपकी कोडिंग होगी और दूसरा आपकी कॉपी पे, यानी सेम कोडिंग होगी दोनों पे। कोडिंग लिखने के बाद जो है आपकी कॉपी जाती है चेकिंग के लिए, यानी उनके अलग अलग सेंटर खुले होते हैं, अलग अलग जगहों पे काफी सेंटर होते हैं जहाँ पे कॉपी आपकी चेक कर जाती है। तो गाइस जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनको पर कॉपी के हिसाब से रुपए दिए जाते हैं, यानी एक कॉपी के 10 रुपए, एक कॉपी के 15 रुपए, एक कॉपी के 20 रुपए, सभी जगहों पर अलग अलग हिसाब है, है ना गाइस। तो देखिए काफी बच्चों की यार कॉपी आती है, तो टीचर तो ये तो चाहेगा नहीं यार मेरी कमाई जो है काफी कम हो, और उससे कम हो, वो तो ये सोचेगा यार ये कमाने का टाइम है, इसमें यार अच्छा कमाऊंगा, है ना। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं ना, टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो आपकी कॉपी में क्या देख के आपको नंबर दे दे, और क्यों आपके नंबर कम आते हैं, क्यों आपके नंबर ज़्यादा आते हैं, तो आइए अब जान ही लेते हैं ना, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ से आपका क्या होता है ना, यहीं से आपको बताऊंगा, यहीं इसी लेवल से बताऊंगा, है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए टीचर आपकी कॉपी में क्या देखते हैं, पहला देखते हैं इन्फॉर्मेशन, दूसरा देखते हैं क्रिएटिविटी। इन्फॉर्मेशन आपने देखी, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि यार क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है या नहीं है, उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। जैसे देखिए आपका, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है ना, और आपने उसे घुमा फिरा के लिखा है, जैसे अब इसे इतना मतलब बैरिस हो पूछा है ना, आप क्या करते हो, दिल्ली का पुराना नाम भी सीधा लिख सकते हो, पर आपने उसे घुमा फिरा के 4-5 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है ना, आपने उसे 4-5 लाइन में घुमा के लिख दिया, तो उसके यार फालतू नंबर नहीं मिलते। इससे क्या होता है, एक तो देखिए टीचर उसमें आपका आंसर ढूंढेगा पूरा, आपको उससे स्टडी करना पड़ेगा, है ना। उसमें देखिए अगर आपको ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता तो वो क्या करते हैं, घुमा फिरा के लिखते हैं, और जिन बच्चों को याद होता है ना वो बिल्कुल सीधा वही लिखते हैं आंसर जो उसका टॉपिक यानी पॉइंट टू पॉइंट होता है। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, आप घुमा फिरा के मत लिखिए। देखिए अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि यार ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन करने से नंबर ज़्यादा आते हैं, और ये करने से वो, यार ऐसा नहीं होता। देखिए आप जितना क्वेश्चन में पूछा गया ना आप उतना ही आंसर दो, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आपका ये 1-1.5 पेज का तो जाना ही चाहिए, है ना। अब देखिए, अब जैसे आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाई नहीं, इन्फॉर्मेशन आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया है आपका, तो ये तो टीचर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वो जैसे ही आपका क्वेश्चन पड़ेगा उनके पास एक आपका स्लिप, मतलब उनके पास एक
जैसे आपके आंसर लिखे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते, आंसर लिख देते हैं पॉइंट लिख के कि एक्सरसाइज इतने का इतना है या फिर खंड भाग इतने का इतना है ना, तो उनके पास एक स्लिप होती है, उसमें वो देख लेते कि इसका ये इसका ये इसका ये है, उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन पढ़ के वो देखते हैं आंसर इसका कि बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, यानी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है या नहीं दिया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देते हैं। और दूसरा था क्रिएटिविटी, वो देखते हैं बच्चे ने कितनी क्रिएटिविटी करी है। क्रिएटिविटी की बात करूँ तो देखेगा इस क्रिएटिविटी कितने प्रकार की होती है, पहला प्रकार है हैंड राइटिंग, दूसरा जैसे हम कोई मतलब किसी जगह का या फिर किसी आदमी का नाम लिखते तो उसका नंबर है ना उसके और इन्वर्टित कोमा कोमा बिंदु बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और मेन रोल होता है आपकी राइटिंग का, यानी टीचर के ऊपर इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है आपका, मेन रोल होता है राइटिंग का। देखिए काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं यार, ब्लू पेन का यूज़ करते ही चले जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उसे अच्छे से सजा सजा कर, यानी देखिए सजाना ये भी नहीं कि यार एग्जाम देने को आप सजाने में ही टाइम लगा दो, जैसे देखिए जो चीज़ आ रहा है कि आपको लगता है कि इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी चाहिए उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, जो आपको लगता है कि इसे ब्लैक पेन से राइट करना चाहिए उसे ब्लैक पेन से राइट कीजिए, जैसा कि आपको लगता है कि इसके आगे बिंदु लगाना चाहिए उसे उसके बिंदु लगे, किसी जगह का नाम आ रहा है उसका पहला वर्ड जो है आपका बिग आना चाहिए यानी कैपिटल लेटर में आना चाहिए, उसके बाद वाला जो है वो स्मॉल लेटर में आना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर टीचर आपको मार्क्स देते हैं ना, तो ये तो हमारा जानने का। अब गाइस आइए यहाँ से देखिए, टीचर आपकी अब यहाँ से देखिए आपकी कॉपी चेक हो गई है ना, अब देखिए कॉपी चेक हो गई तो आपको आगे का प्रोसेस बता दो। देखिए कॉपी चेक हो गई तो इसके बाद क्या होता है, जो ऊपर के यानी हाई लेवल के जो टीचर होते हैं, हाई लेवल के जो टीचर होते हैं तो वहाँ से वो क्या करते हैं, वो आते हैं वो देखते हैं कि जो जिस बंदे ने यानी जिस टीचर ने कॉपी चेक करी है वो बिल्कुल करेक्ट यानी बिल्कुल सही चेक करी है या नहीं करी है ना, उसमें देखते हैं अगर कोई कुछ कमी आ जाती है ना किसी भी कॉपी में, उसमें से चार पांच कॉपी छाते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि एक टीचर ने जैसे 10,000 कॉपी चेक कर ली या फिर 15,000 वीक में या फिर मंथ में या फिर डे में जैसे 500-300 कॉपी चेक करी, तो उसमें से आके कुछ कोई से भी 3-4 कॉपी निकालेंगे और उसमें देखेंगे ये सही चेक हुई है, अगर उसमें उन्हें कोई भी गलती पाई जाती है तो सारी कॉपी दोबारा चेकिंग होती है। और गाइस यहाँ से चेक करने के बाद क्या होता है, आपकी जो सारी कॉपी होती है उसे दोबारा से आपका जो मैन सेंटर होता है जहाँ से आया होता है वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, वहाँ पर सेंड करने के बाद जो है आपका जो कोड लिखा होता है नेम पे से वो कोडिंग डालकर फिर आपका जो है देखिए मार्क जो आपके आए होते हैं नंबर जो आते हैं कंप्यूटर में या फिर रफ कार्य में करा जाता है, फिर आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है, फिर आपका रिजल्ट जो है अपलोड किया जाता है। तब गाइस ये था बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसेस है ना, और गाइस उम्मीद यही करूंगा आपसे कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।